कोड 817 से जुड़ी भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि एक बार फिर ये सीएम सुक्खू से 20 जनवरी को मिलने वाले हैं। दरअसल काफी ज्यादा परेशान ये भी अभ्यर्थी चल रहे हैं, पिछले 4 सालों से इनकी भी भर्ती लटकी हुई है और बात ऐसी है कि टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट भी इनका घोषित हो चुका है, महज नियुक्तियां यहाँ पर शेष रह रही हैं। पिछली बार जब ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिले थे तो इन्हें आश्वासन ये मिला था कि जल्दी ही इनका मसला हल होगा, लेकिन इंतजार थोड़ा सा अभी इन्हें भी करना पड़ेगा क्योंकि 25 जनवरी को कोर्ट में इनकी भी सुनवाई होनी है। और दूसरी बड़ी बात ये है इनकी ओर से, क्योंकि डिमांड ये हो रही है कि भले ही सुनवाई होती रहे लेकिन कंडीशनल नियुक्तियां इन्हें दे दी जाए, लेकिन कंडीशनल नियुक्ति भी तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ फिर से हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को बहाल नहीं किया जाता है। क्योंकि देखिये कार्यप्रणाली पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी जब पेपर लीक होने का मामला सामने आया था GOIT का ही, और सस्पेंशन एक तरह से यहाँ देखने में आई थी आयोग की। अब जब तक दोबारा ये बहाल नहीं होता है तो तब तक इन्हें यहाँ ये कंडीशनल नियुक्तियां भी प्रदान नहीं हो सकती है। हालांकि इसी संदर्भ में ये मिलने वाले हैं, 2020 में इस परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, 2021 में लिखित परीक्षा हुई थी, फिर टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया, लगभग 4 साल हो गए लेकिन नियुक्तियां अभी तक इन अभ्यर्थियों को प्रदान नहीं की जा सकी है, जिस वजह से ये परेशान चल रहे हैं।